मोदी मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, साथ ही ट्रिपल तलाक बिल पर अध्यादेश को मंजूरी मिली। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2019 से लागू होगी। इससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। इसमें जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, पेंशनर्स हैं, वो सब बेनिफिशियरी होंगे और इसका एक ट्रांसमिशन इफेक्ट होता है कई पब्लिक सेक्टर्स में, तो इसका एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है जिसके ऊपर हाँ महंगाई कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी जो भी सीमित है उसका असर पड़ता है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक अध्यादेश को दोबारा मंजूरी दे दी है। आज कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी गई। ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। मुस्लिम विमेन के संबंध में जिसको पॉपुलरली ट्रिपल तलाक बिल कहते हैं, तो इसके संबंध में आज अध्यादेश जारी करने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने लिया। कैबिनेट ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ को हाई स्पीड रेल सेवा से जोड़ा जाएगा।